सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आज आपके सामने है वेरी एक्सक्लूसिव महिंद्रा की तरफ से आने वाली, बहुत दिन से जिस कार का एक अपग्रेड का इंतज़ार हो रहा था तो फाइनली वो लॉन्च हो चुकी है। हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, 2-4 दिन हुए लॉन्च हुए और आपके नियरेस्ट डीलरशिप में भी वो अब धीरे धीरे अवेलेबल हो रही है। तो क्या है कार, कौन सी कार है, सबसे पहले आपको बिना देरी के बता देते हैं, ये है महिंद्रा XUV 300 का अपग्रेडेड फेसलिफ्ट वर्जन जो कि आया है XUV 3XO के नाम के साथ। ठीक है, तो आज सारी बात करने वाले हैं कि आपको नई महिंद्रा XUV 300 के फेसलिफ्ट में कैसे फीचर्स मिलते हैं, क्या सारे चेंजमेंट्स हुए हैं, क्या एडिशनल फीचर है, क्या प्राइसिंग है, ओवरऑल कंप्लीट बात करेंगे वीडियो में। तो आप चैनल पर बने रहें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जाइए आपको नई वाली कार कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें कंप्लीट आपको 25 वेरिएंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक वेरिएंट्स की बात करें तो MX1, MX2, MX2 Pro, MX3, MX3 Pro, AX5, AX7 और AX7 लग्जरी वेरिएंट आपको टॉप वेरिएंट मिलता है। ये जो वाला आपका वेरिएंट है ये है आपका MX3 Pro। तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो 7.5 लाख रुपए से लेके 15.5 लाख रुपए इसका एक्सशोरूम प्राइस जाता है न्यू महिंद्रा 3XO का। इस पर्टिकुलर वेरिएंट का जो प्राइसिंग है वो आपको इन बिटवीन वीडियो या फिर एंड ऑफ द वीडियो पता चल जाएगा। कलर्स की बात करें तो 15 प्लस कलर ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे न्यू महिंद्रा 3XO में। और अगर इंजन ऑप्शन की बात करें, 3 इसमें आपको पावरफुल इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं जो कि है टर्बो GDI पेट्रोल इंजन, नॉर्मल पेट्रोल इंजन और CRDI डीजल इंजन। ट्रांसमिशन की बात करें तो 2 ट्रांसमिशन मिलते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आपका ऑटो शिफ्ट भी अब आ गया है तो वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। और ये जो आप कलर प्रोफाइल देख रहे हैं ये आपका नेबुला ब्लू कलर होने वाला है, इसको मिला के 15 कलर ऑप्शन के ऑप्शन है और इसमें आपको डुअल टोन में भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और जो डीजल में आपका ऑटो शिफ्ट है वो MX3 से स्टार्ट होता है, उससे नीचे वाले वेरिएंट्स में ऑटो शिफ्ट नहीं आएगा। और कीज की बात करें तो वही टिपिकल महिंद्रा स्टाइल की मिलती है, दोनों ही आपको रिमोट की मिलेगी फ्लिप की के साथ, जिसमें आपको लॉक अनलॉक और टेलगेट अनलॉक करने के बटन्स मिलते हैं। फ्रंट से कुछ तरीके का लुक है, लॉक और नॉक करने पर कुछ तरीके से इंडिकेटर्स ब्लिंक होंगे, बाकी आपको कोई सायरन वगैरह इसमें नहीं आता है। फ्रंट से बात करें तो नई आपको ग्रिल देखने के लिए मिलने वाली है, ब्लैक पियानो फिनिश और क्रोम इंसर्ट्स के साथ महिंद्रा का लोगो मिलेगा। नीचे डुअल टोल बम्पर है, सिल्वर कलर की फिनिश आपको मिल जाती है और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs एंड टर्न इंडिकेटर्स के साथ। ये आपका अंदर क्रोम का पार्ट मिलेगा, ये दूर से DRL वाला फील देता है। बाकी फॉग लैंप्स वेरिएंट में नहीं आते हैं, आप चाहें तो एज एक्सेसरीज लगवा सकते हैं। ब्लैक पियानो फिनिश है, बोनट के क्रीसेस लाइंस और मैनुअल वाइपर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। फ्रंट ए पिलर आपका ब्लैक पियानो फिनिश मिलता है और ORVMs आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स, नीचे कोई भी लैम्प या फिर कैमरा नहीं आता। ये है ए पिलर। और टायर साइज की अगर बात करें तो 205/65 R16 inches के इसमें आपको स्टाइल्ड वेक्टर व्हील्स मिलते हैं, यानी हाइपर स्टाइल जो टाटा में आता है ना, कुछ उस टाइप का। सस्पेंशन वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और जो क्लैडिंग्स है महिंद्रा 3XO में काफ़ी ब्रॉड कर दी गई है, बिगर कर दी गई है, जिससे कार थोड़ी सी और आपको मस्कुलर लगे। ओवरऑल साइड से कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और अब बात करें अगर महिंद्रा 3XO के MX3 Pro के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो न्यू महिंद्रा 3XO में आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो 6 एयरबैग्स, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ABS विद EBD, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ISOFIX फॉर चाइल्ड सीट्स, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर्स, जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड बेस मॉडल से ही आपका मिलने लगता है, तो सेफ्टी को लेके महिंद्रा ने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है। और भी कार्स हैं इसी बजट में जो आपको 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 201 mm की टोटल ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है और ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगे, चाहे वो बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल। ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन अब आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पे फ्यूल लिड है, 42 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है, फ्यूल लिड अंदर से ही खुलेगी। और ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है, रूफ रेल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। और ये है आपका बैक प्रोफाइल न्यू महिंद्रा 3XO की, पीछे आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने के लिए मिलती हैं
और काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन लगता है। आप बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा ओवरऑल डिज़ाइन है। और यहाँ पे आपको कंप्लीट एलईडी टेल लैम्प का सेटअप मिलता है, इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी में भी देखने के लिए मिलते हैं, और इन्फिनिटी एलईडी टेल लैम्प कहा गया है महिंद्रा की तरफ से। XUV300 की बैजिंग, महिंद्रा का लोगो, नीचे आपका रिफ्लेक्टर्स हैं, दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, और डुअल टोन बम्पर मिलेगा। और टेल गेट रिलीज करने के लिए पीछे आप छोटा सा एक मैग्नेटिक बटन देख सकते हैं, यहाँ पे मिलता है वो, ग्रैब हुक है। और ओवरऑल कुछ इतनी हाइट पे जाता है आपका टेल गेट, और बूट स्पेस पहले से इंक्रीज कर दी गई है, तो जो इंक्रीज बूट स्पेस है वो आपका 364 लीटर्स की है। रियर पार्शियल ट्रे नहीं आती, 60-40 का स्प्लिट फंक्शन मिलेगा सीट्स में। और इसे आप उठाएंगे तो नीचे आपका स्पेयर व्हील टूल किट यहाँ पर मिल जाता है। सीएट के टायर्स आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेयर व्हील में मिलेगा, पीछे से कुछ तरीके का लुक, काफ़ी डीप स्टोरेज है। और ओवरऑल पीछे का एक बार फिर से लुक। और अभी चलते हैं सेकेंड रो की तरफ, उससे पहले यहाँ पे 3D ब्लैक पियानो फिनिश में डिज़ाइन मिलता है। और डोर की बात करें तो पीछे कुछ इस तरीके का डोर आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ब्लैक एंड बीच कलर की फिनिश मिलती है। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश है, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे है डोर अनलॉक लीवर, नीचे है वाटर बॉटल होल्डर और मैगजीन होल्डर। सीट्स की बात करें तो फैब्रिक में सीट्स आती हैं, सीट बेल्ट मिलेगा, आइसोफिक्स है, और दोनों ही पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सीट बेल्ट उस तरीके की हैं, आइसोफिक्स वगैरह जैसे फीचर्स मिलते हैं। और अभी बैठते हैं कार के अंदर, और अंदर बैठने के बाद आपको ड्राइवर साइड के पीछे मैगजीन होल्डर भी मिलेगा, नी रूम अंडर थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलती हैं। और पहले एसी वेंट्स रेयर में नहीं आते थे, अब आपको अवेलेबल है। टाइप सी का पोर्ट मिलता है, पावर आउटलेट मिलेगा, फ़ोन रखने की स्पेस है, तो जो एक बहुत बड़ा कस्टमर्स का सवाल था वो भी सॉल्व हो गया है, बीच में कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, ऊपर आपको रूफ लैंप मिल जाती है बल्ब में। और अभी चलते हैं कार के फ्रंट साइड में, फ्रंट ड्राइवर साइड डोर देखते हैं कि वो कैसे मिलता है। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, की होल मिलता है, बाकी सेंट्रल लॉकिंग अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआर बीम्स। और डोर की बात करें तो कुछ तरीके का डुअल टोन फ्रंट ड्राइवर साइड डोर देखने के लिए मिलेगा, नीचे रिफ्लेक्टर्स आते हैं कुछ इस तरीके के, यहाँ पे हार्ड फिनिश है, ग्रैब हैंडल, फ्रंट ड्राइवर साइड विंडो ऑटो फंक्शन के साथ मिलती है, ब्लैक पियानो फिनिश मिलेगा, ये नॉन फंक्शनल है, अनलॉक लीवर, स्पीकर्स, वाटर बॉटल होल्डर, दो बॉटल होल्डर मिलेंगे। और सीट की हाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं, फैब्रिक में सीट्स आती हैं, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिलता है सीट्स में। ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड दोनों ही एडजस्टेड हेडरेस्ट मिलते हैं, यहाँ से अपना फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, यहाँ से अपना बोनट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, और जो डैशबोर्ड का लुक है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, MX3 Pro डीजल वेरिएंट का। कमेंट बताइए आपको कैसा लगा। बाकी फिलहाल बैठते हैं कार के अंदर, और अंदर बैठने के बाद कुछ तरीके का आपका स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए मिलने वाला है, नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, बीच में महिंद्रा का न्यू लोगो है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल, वॉइस कमांड, यहाँ पे आपके मीडिया रिलेटेड और कॉल रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट आएगा, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे मिल जाते हैं आपके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे मिल जाते हैं आपके वाइपर्स के कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपका वही पुराना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो नया वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो AX5 वेरिएंट से आता है, जो कि आपका XUV700 टाइप देखने के लिए मिलेगा। ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल स्पीड, DEF लेवल, सेटिंग्स, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में RPM मीटर मिलता है, राइट साइड में स्पीडोमीटर मिलेगा। स्टेयरिंग के कंट्रोल्स भी आते हैं, नॉर्मल, कम्फर्ट और स्पोर्ट्स, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ड्राइवर साइड व्यू, ड्राइवर साइड वैनिटी में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे है माइक, ये है मैनुअल IRVM, इनसाइड रियर व्यू मिरर, और ये है 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले के साथ। स्पीकर्स की बात करें तो 4 स्पीकर्स आएंगे,
आप इसमें वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं। नेविगेशन वगैरह, FM, AM सारे ही ऑप्शन इसमें मिलेंगे, फोन की सेटिंग कर सकते हैं। ब्लूटूथ जैसे सारे फीचर्स मिलते हैं। और अब टॉप वेरिएंट में तो हार्मन का भी म्यूजिक सिस्टम इसमें अवेलेबल हो चुका है। टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर मीडिया वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल्स, स्टेशंस सारी चीज़ें अवेलेबल है। फ़ोन डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग्स भी मिल जाएंगी, व्हीकल सेटिंग्स भी कर सकते हैं। ओवरऑल कुछ इस तरीके की फिनिश है। कमेंट बताइए आपको कैसा लगा न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम। एसी वेंट्स, हजार्ड लैम्प के बटन, सेमाडी कंट्रोल, स्टेयरिंग मोड कंट्रोल और मैनुअल एसी मिलता है जैसा आपका पहले आता था। ऑटोमेटिक आपका एसी AX5 से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक टाइप्स USB पोर्ट, फ़ोन रखने की जगह, मैनुअल 6-स्पीड गियर ट्रांसमिशन, ब्लैक पियानो फिनिश मिलती है सराउंडिंग्स में, सिल्वर फिनिश मिलती है, ब्लैक पियानो फिनिश मिलेगी अंदर। हैंड ब्रेक है, दो ग्लास होल्डर्स मिलते हैं, आमरेस मिलता है लेदर रैप जिसके अंदर थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपका ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाता है। काफ़ी पार्ट अब XUV 3XO में ब्लैक पियानो फिनिश में मिलने लगा है। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो डीप स्टोरेज मिल जाता है विदाउट कूलिंग। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सनग्लासेस होल्डर, दो रीडिंग लैम्प मिलेंगी येलो बल्ब में, और सनरूफ आती है वन टच ओपन एंड क्लोज फंक्शन के साथ। 2 सेकंड तक आप प्रेस करके रखेंगे उसके बाद सनरूफ आपकी ऑटोमेटिक ओपन या फिर क्लोज हो जाएगी। पूरी सनरूफ पीछे जाती है, काफ़ी स्पेस मिल जाता है आपको। टिंटेड ग्लास मिलता है जिससे कार में हीट ज़्यादा ना बन सके। एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल, पैसेंजर साइड वैनिटी में आपको मिरर मिलता है विदाउट लाइट। और ओवरऑल डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपका न्यू महिंद्रा 3XO का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। कमेंट बताइए आपको डैशबोर्ड कैसा लगा। बाकी चलते हैं कार के बाहर और बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, फिर मैं आपको कार की एक शोरूम प्राइस बताता हूँ। बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट पे आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है ताकि इंजन की वाइब्रेशन नॉइस आपको कैबिन में परेशान ना कर सके। इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 डीजल इंजन आपको इसमें मिलता है जो कि मैक्स पावर 115 BHP प्रोड्यूस करेगा 300 Nm टॉर्क के साथ। मैनुअल ट्रांसमिशन में 42 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। बैटरी कंपार्टमेंट, फ्यूज बॉक्स है। इंजन अंडरगार्ड प्रोटेक्शन भी आपको इसमें मिल जाती है। फिट एंड फिनिश कुछ इस तरीके की है। और वॉशेस में पानी भरना चाहे तो यहाँ से आप भर सकते हैं। ओवरऑल लुक और प्राइसिंग की अगर बात करें तो महिंद्रा 3XO MX3 प्रो का जो प्राइस है डीजल में वो 11,39,000 रुपये यानी 11,39,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है। ऑनर प्राइस आपकी सिटीज़ में अलग अलग हो सकते हैं, एक्स शोरूम प्राइस हमेशा हर जगह सेम रहता है। तो कैसे लगी आपको न्यू महिंद्रा 3XO का MX3 प्रो वेरियंट कॉमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं। और अभी करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, बहुत जल्द मिलेंगे हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।